ऐसे ऐसे नौजवान और बुजुर्ग चले गए जिन जो क्षेत्र में उनका नाम जाना जाता था। और मैं मार्केट की बात करता हूँ ग्रेटर शहर की, क्योंकि जो बेचारे व्यापारी हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरा सैनिटाइज करते हैं प्रॉपर और पूरा किट पहन के मेरे स्टाफ काम करते हैं, हम सब सेफ्टी मेजर्स करके हर तरह से सारे प्रिकॉशन लेके कस्टमर को अटेंड। तो घर से बाहर निकलें अन्यथा अपने घर पर ही रहकर अपना काम करें, और जिस काम के बिना बीत जाती है जो हमें नहीं करना है या हमारा अभी कोई उसकी आवश्यकता हमें नहीं है तो नहीं जाए। सर हमने मास्क पूरा लगा रखा है, अब तो हम दोनों हैं इसलिए हमने मास्क हटा रखा है। अगर कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले हम उसके हाथ सैनिटाइज कराते हैं, ये हमारे पास सैनिटाइजर है। और किस नाम से आपकी ये दुकान है, और लॉकडाउन खुला है 30-35 दिन के बाद यानी? हाँ जी, तो आप बताइए दुकानदारी पे क्या जवाब दीजिए। मेरा नाम मोहित है और हमारी दुकान जगत फार्म में है और दुकान का नाम न्यू प्रेम साड़ी सेंटर है जी। लॉकडाउन से देखिए स्थिति बहुत खराब रही थी, लेकिन अब एक महीने के बाद खुला है तो एक दो दिन हुए हैं, अब देखिए मार्केट खुली है तो थोड़ी रौनक आई है, कस्टमर निकलना शुरू हुए हैं, और कोरोना का जो भी मास्क है हम लोगों ने सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो भी गाइडलाइंस दी है सरकार ने हम सब वो पालन कर रहे हैं, कस्टमर को भी कहते हैं। तो बताएंगे जैसे दुकान खुली है 30-35 दिन के बाद लॉकडाउन हुआ है तो घर पे आप रहे, तो अपने अनुभव बताइए किस तरह से कैसे समय काटा आपने? बस ऐसे काटा ही जैसे एक ट्रेन में सफर करते हैं, बेड से बाथरूम जाना, बेड से फिर आगे बैठ जाना और खाना है और घर में सोना है, देखना है। भाटी जी आज हमारी आपसे वार्ता हो रही है, पिछले भी लॉकडाउन में कंटिन्यू आप बाजार में रहे, लोगों की सेवा करते रहे, आज हम आए जगत फार्म पर, देखा आप भी यहाँ पर भी उपस्थित हैं, तो ये 30-35 दिन का जो लॉकडाउन रहा बराबर लोगों के बीच में रहे, आपने जो है दिन और रात मेहनत करी, आज जो बाजार खुला है थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए देशवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप जरा बताइए। मैं हरिंदर भाटी सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटर नोएडा से, मैंने बहुत से दिन देखे पिछले लॉकडाउन में भी देखा, लगातार 2 महीने तक लोग बागों को राशन दिया, खाना खिलवाया, और उसके बाद में लोग बागों की बहुत मदद की, जिसको अपने घर पर जाना था उसको उसके घर पर पहुंचवाया, और अब दोबारा से लॉकडाउन लगा, उससे पहले भी बहुत ही बुरा, अब की बार बहुत बुरा हाल था, हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे नौजवान और बुजुर्ग चले गए जिन जो क्षेत्र में उनका नाम जाना जाता था। और मैं मार्केट की बात करता हूँ ग्रेटर शहर की, क्योंकि जो बेचारे व्यापारी हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि एक बंदा अपनी दुकान का कोई 1.5 से 2 लाख रुपए किराया देता है, कोई 50 से 60 हज़ार, कोई 35 से 40 हज़ार रुपया, जिससे कि उनको बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से कि इस तरह का जो लॉकडाउन लगे, एक तो जो बैंक है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बैंक भी प्रेशर बनाते हैं, कोई लोन पे लेता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई मकान लेता है, कोई दुकान लेता है, और उसके बाद में ये जो NPCL है हमारे यहाँ पे, उसको भी थोड़ी राहत देनी चाहिए जितने भी व्यापारी भाई है या हमारे जो ग्रामीण एरिया है उन सब में, क्योंकि लॉकडाउन में सबकी स्थिति खराब हो जाती है, बेचारे जो अब की बार जो जॉब कर रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, वो तो कम से कम थोड़ा सा उनकी तो फैक्ट्री वगैरह खुली हुई थी, मजदूरों को थोड़ा सा उसमें सहयोग मिला, पर कुछ होटल थे और जैसे दुकानदार जिसकी बड़ी बड़ी दुकान है, अभी भाई सब बता रहे थे कि इनका तो बहुत ही नुकसान हुआ भाई, 35 से 40 हज़ार रुपये किराया देना और फिर बिजली का बिल देना, ये सारी चीज़ें बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि लोग बाग बहुत दूर दूर से रह रहे हैं, किसी ने मकान किराए पर ले रखा है, किसी का अपना है,
कोई किस्त दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि वो एक ऐसी मुहिम चलाए जिससे कि व्यापारी भाइयों को और ग्रामीण क्षेत्र एरिया को जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको मदद मिल सके। भाटी जी, एक सवाल और मैं करूँगा भाई, जिस तरह से रात और दिन आपने मेहनत करी है, उस तरह से हमारे देशवासियों के लिए, पूरे भारत के लिए, विश्व के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने देखा था सोनू सूद बॉम्बे से हीरो है और उसने बहुत ही बढ़िया मेहनत करी है कोरोना काल में। शायद हमारे गौतम बुद्ध नगर में यदि देखा जाए तो सोनू सूद से कई गुनी ज्यादा आपने मेहनत करी है, इसमें कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं तो इस बारे में कुछ कहने नहीं चाहूंगा, मैं तो जितनी भी मदद कर सकता हूँ अपनी तरफ से हमेशा करता हूँ और करता रहूंगा। तो क्या संदेश देना चाह रहे एक बार? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, हम लोगों को सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो बेचारे बेरोजगार है भाई, किसी को खाना देना है या कुछ करना है, उसकी मदद करे ज्यादा से ज्यादा, बेचारे को थोड़े घड़े पैसे दे करके या उसके घर पर राशन पहुंचवा करके। मैं सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी की मदद करें। धन्यवाद। सवाल और है भाटी जी मेरा, अचानक देखते देखते क्या हुआ कि क्षेत्र में ही मुझे लगता है पूरे इंडिया में अचानक लोगों में मरीज की जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हुआ था, और उस समय आपने बहुत ही भागीदारी निभाई। सालों से ज्ञात हुआ था कि आप देहरादून कहाँ रहा, मुजफ्फरनगर, वहाँ तक आपने जो ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए मांग, उस विषय में बताइए। देखो, हमसे क्षेत्रवासियों ने, जिनके बुजुर्ग बीमार थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, भाई कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया बात है। तो हमारे कुछ दोस्त थे जिनके ऑक्सीजन की अपनी जो फैक्ट्रियाँ थी, उनसे हमने संपर्क किया और कहीं मुजफ्फरनगर, अमरोहा, जगह जगह से हमने जो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए, जिससे कि, और हमने प्रशासन और प्राधिकरण पे भी प्रेशर बनाया कि भाई ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इसकी पूर्ति होनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ के जो नोडल अधिकारी थे, उसी नरेंद्र भूषण जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। और उन्होंने फिर उसके बाद में सिटी पार्क में वहाँ पर कैंप लगा करके जिसको आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वहाँ से करीब 2 से 3 घंटे में लोग बागों को सिलेंडर मिलने चालू हो गए थे। और अब की बार इस ऑक्सीजन की वजह से लोग बाग डरे हुए थे, दहशत थी, एक कुछ तो लोग दहशत में चले गए कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी। हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, कोई भी बीमारी है उसका डट के सामना करना चाहिए, हम बीमारी को हरा सकते हैं, खुद जीत सकते हैं। मैं वैनिटी स्टूडियो से मिसेस पांचाल बोल रही हूँ। मेरा जगत फार्म में सलून है जी। और आजकल जैसे अभी स्टार्ट किया 45 डेज के बाद जी। तो कस्टमर बहुत ही कम है, शायद कोरोना के डर से अभी तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अभी हम लोगों को, क्योंकि अभी लॉकडाउन हटाया फिर कोरोना का डर भी लोगों के अंदर है। तो बस यही है, हम लोग सोच रहे हैं कि कस्टमर आए थोड़ा सा। कस्टमर आएंगे तो क्या क्या सावधानियां विशेष रखी जाएंगी? जी, अगर कस्टमर आते तो हम लोग पूरा सैनिटाइज करते हैं प्रॉपर, और पूरा किट पहन के मेरे स्टाफ काम करते हैं, हम सब सेफ्टी मेजर्स करके हर तरह से सारे प्रिकॉशन लेके कस्टमर को अटेंड करते हैं। और हमने डिस्पोजेबल सब रखा हुआ है कि लोग डिस्पोजेबल यूज करें काम कराने में, और किसी टाइप का कोई डर ना हो मेंटली फ्री होकर काम कराने में। तो 2 दिन आज आपके इसको सैलून के खेले हुए, क्या 1-2 कस्टमर अभी आया या नहीं आया? जी हाँ, अभी 1-2 कस्टमर हैं, आए हैं। इसका मतलब आशा है कि धीरे धीरे, मैं होप करती हूँ कि धीरे धीरे काम बढ़े और लोग घरों से थोड़ा निकलें, क्योंकि कोरोना का सामना तो हमें सारे सेफ्टी मेजर्स लेके करेंगे तो इतना डर नहीं है, लेकिन हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम कराएंगे थोड़ा सा। मैं हसमी जिंदल एनके सेवा संस्थान में कार्यरत हूँ। अब 1.5 महीने से ये लॉकडाउन रहा था तो काफी दिक्कतें आई थी, लॉकडाउन खुला है तो कुछ समस्याएं दूर होंगी, जैसे लॉकडाउन में परचून की दुकान खुल रही थी, बाकी सब मार्केटें बंद थी, तो किसी चीज के सामान की जरूरत पड़ती थी तो वो लेने में हमें दिक्कत होती थी। दूसरा सवाल साथ में मेरा है कि जिस तरह अभी लॉकडाउन में कुकिंग का काम कर रखा था और मेरे रेडीमेड कपड़े की दुकान है मेरे हस्बैंड की, तो मैंने कुछ अपने क्लोथ घर पे रखे दिए जिसे किसी को जरूरत पड़ती थी तो उनको बेचना है, और मेरे घर में रैबिट्स हैं
उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और घर में सिलाई में सिलाई कढ़ाई करती थी, टूटे फूटे कपड़े सही करने, ये सब करके मैं अपना टाइम पास करती थी। मैं अब क्या कहना चाहते हैं, जो लॉकडाउन खुल गया है, क्या घर से जो आवश्यकता की वस्तुएं लेने के लिए घर से बाहर निकलेंगे या फिर शौक मौज में घूमने के लिए भी जाना रहेगा? नहीं, अभी अभी शौक मौज के लिए नहीं, अभी सिर्फ अपने काम के हिसाब से ही बाहर जाना, और बाहर जाने के साथ अपने हमें डिस्टेंसिंग भी रखनी पड़ेगी, मास्क लगा के जरूर जाना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजलता शर्मा एनकेएस सेवा संस्थान की ओर से सभी अपने देशवासियों को संदेश देना चाहती हूँ कि जो अभी हमारे लॉकडाउन चल रहा था, करीब करीब 48 दिनों तक लॉकडाउन रहा, अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि अगर जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहकर अपना काम करें, और जिस काम के बिना बीत जाती है, जो हमें नहीं करना है या हमारा अभी कोई उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, तो नहीं जाए बाजार में और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, और बच्चों को भी ज्यादा बाहर खेलना या ज्यादा बाहर निकलना उनको भी बचाएं, क्योंकि महामारी जो 2 महीने ये रही है, बीती है, तो हमें ही बताएं, बहुत मतलब दुखदायी है ये सब चीजें। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि आप और इसका मास्क लगाने ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, और जो नहीं पहन रहे हैं, जिनको नहीं है, अभी वो कुछ लोग ऐसे हैं कि अरे कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, लेकिन नहीं, उसको मजाक ना लें, मजाक ना समझें, और इसका मतलब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें इस चीज का कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर भी प्रयोग करें जहां जरूरत है, सैनिटाइजर भी अधिक ना यूज करें, क्योंकि ज्यादा करने से भी वो भी नुकसानदायक है, जहां जरूरत है वहां प्रयोग में लाएं करें। और मैं सभी देशवासियों से बस यही कहना चाहूंगी एनकेएस सेवा संस्थान की ओर से कि सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, खुश रहें, अपने परिवार में रहकर और दूसरों को भी मतलब कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दें, और सब अपना अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, ये आप जो अमृतपुरम में दुकान है आपकी, किस नाम से है? सर, परी कंप्यूटर। परी कंप्यूटर, परी कंप्यूटर से। आज दूसरा दिन है मार्केट के खुले हुए, कस्टमर किस तरह से आ रहे हैं जरा बताएंगे? सर, कस्टमर का क्या है, कस्टमर तो एक भी नहीं आ रहा है, बस आप देख सकते हैं मार्केट की हालत खराब है, और कुछ लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा दाल रोटी अपनी चल रही है, बस ये है दोबारा लॉकडाउन ना लगे। सर, जो आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं, सावधानी बरतने के लिए सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह किस तरह से लगा रखा है आपने? सर, हमने मास्क पूरा लगा रखा है, अब तो हम दोनों हैं इसलिए हमने मास्क हटा रखा है। अगर कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले हम उसके हाथ सैनिटाइज कराते हैं, ये हमारे पास सैनिटाइजर है, ठीक है, और उसे बोलते हैं, अगर कस्टमर मास्क नहीं लगाता है तो हम उसे लगाने के लिए बोलते हैं, और उसे बोलते हैं कम से कम 5 फुट की दूरी बनाए। और किस नाम से आपकी ये दुकान है, और लॉकडाउन खुला है 30-35 दिन के बाद, यानी तो आप बताइए दुकानदारी पे क्या जब दीजिए? मेरा नाम मोहित है और हमारी दुकान जगत फार्म में है, और दुकान का नाम न्यू प्रेम साड़ी सेंटर है। लॉकडाउन से देखिए स्थिति बहुत खराब रही थी, लेकिन अब 1 महीने के बाद खुला है, तो 1-2 दिन में हुए हैं, अब देखिए मार्केट खुली है तो थोड़ी रौनक आई है, कस्टमर निकलना शुरू हुए हैं, और कोरोना का जो भी मास्क है, हम लोगों ने सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो भी गाइडलाइंस दी है सरकार ने, हम सब वो पालन कर रहे हैं, कस्टमर को भी कहते हैं। तो
आप भी थोड़ा सा बताएंगे, जैसे दुकान खुली है 30-35 दिन के बाद लॉकडाउन हुआ है।